इसको क्या है वो गाड़ी में बाजू में बैठ के सो जाने का। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए व्लॉग और नए एपिसोड के साथ आप सबका स्वागत हमारे चैनल पे। और अभी का सीन क्या है, हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब गोधरा। और अभी का टाइम जो है 8:30। हमारा टारगेट था कि 8:30 बजे नहीं 8 बजे हमको बड़ौदा से निकलना है। पर जाते कैसे, रात को 2 बजे तो सोते हैं, तो सुबह 8 बजे उठ के नहा धो के कैसे निकलते हैं। तो अभी मैं फटाफट फ्रेश हो गया हूँ, जा रहा हूँ हर्ष के वहाँ पे, वो दोनों भी नहा धो के रेडी है, फिर वहाँ से मनसुख को पिक करना, फिर हम लोग निकल रहे सीधे गोधरा के लिए। निकल गए यहाँ से जाने के लिए, सबसे पहले मनसुख को पिक करना है, वहाँ से उसको पिक करके फिर डायरेक्ट हाईवे पे, और वहाँ से सीधा निकल जाएंगे गोधरा के लिए। तो देखो भाई अभी उतर रहे हैं, उसको आधे घंटे से फोन किया है, अभी उतर रहे हैं, और वो उनकी शॉप है ये वाली एमपी ओजा कंसल्टेंसी। मनसुख कुछ ज्ञान देने वाला है, क्या दे रहा है आप कुछ सुनो। एक्चुअली इन्होंने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था, बट आए 9 बजे, और जब वीडियो बना रहे थे मैं उतर रहा था तब इन लोगों ने बनाया, और बोलते हैं कि ये लेट हुआ है, तो इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़े टाइम के लिए तो देखो बना सकते हो, लेकिन ऑल टाइम नहीं बना सकते। वो इंग्लिश में कहावत सुना है मैंने इनको, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम नॉट ऑल टाइम। वैसे तो पविन काट लेने तो नहीं करा, लाइन जो होनी आई जल्दी पड़ी है। तो खुद की गाड़ी लेके निकलने में ये फायदा है, हम तीन गाड़ी में बैठे हैं और अनुराग को कोई फायदा नहीं है, जहाँ मौका मिलता वहाँ खड़ी कर देते गाड़ी। तो वही फायदा हुआ ना खुद की गाड़ी लेके जाने का, क्या फायदा, जहाँ जरूरत होती वहाँ पे खड़ी करके कर सकते हैं हमारी। अगर बस में जाते तो बस रुकती नहीं है, तो ये बेनिफिट है खुद गाड़ी लेके जाने का। उसके हिसाब से प्रिपेयर होके ही निकलता है अभी खुद का, उसके हिसाब से वो मिसयूज भी कर रहा है भाई। और मारुति की गोधरा में आके अपने यहाँ पे फेमस इडली शॉप है राजू मद्रासी वाली, वहाँ से इडली सांभर खाया अभी पेट भर के, और अभी जा रहे हैं जहाँ पे उनके घर पे। एक्चुअली हम लोग रिया की शादी का इनविटेशन देने आए यहाँ पे, तो अभी उनके घर पे जा रहे हैं, इनविटेशन देंगे फिर खावा के थोड़ी देर पे निकल जाएंगे वापस। जय सियाराम। तो अभी गोधरा का जो भी काम था इनविटेशन वगैरह देना था वो दे दिया, पहले जाते ही हम लोग ने इडली सोमवार नाश्ता किया, उसके बाद जहाँ इनविटेशन दिया उसके बाद फिर वहाँ से नीलकंठ एक कोल्ड ड्रिंक और फालूदा है वो सब की शॉप है, वहाँ पे भी हम लोग ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, लस्सी पी, फ्रूट सलाद पिया और बादाम शेक पिए, दो दो ग्लास पिए हम लोग ने। यहाँ पे गर्मी बहुत है, गर्मी मतलब अभी गर्मी सीजन स्टार्ट हो गई ऐसा लग रहा है, सुबह ठंडी लगती है फिर दोपहर में वापस गर्मी लगती है और रात को थोड़ी बहुत वापस ठंडी लगती है। और अभी थोड़ी देर में बड़ौदा पहुंचेंगे, वहाँ पे भी जाके बहुत सारे काम पेंडिंग है वो भी खत्म करने हैं, मतलब जाके फिर तुरंत सिटी में भी जाना है। चार बजे से निकलना था शॉपिंग के लिए, सिटी में जो काम पेंडिंग थे वो करने हैं, और अभी बज गए 7, 3 घंटे लेट निकले हैं। क्यों निकले बताता हूँ मैं, इसको क्या है वो गाड़ी में बाजू में बैठ के सो जाने का, और पीछे भी और पीछे बैठने का, और हमको मोहब्बत का ड्राइवर बना के रखा है, तो फिर अभी लेट ही होगा। अनुराग उठ नहीं रहा था, उसको कंटाल आ रहा था उठने में, इसलिए लेट हो गया अभी इतने हुए दोनों। देखो ये, और इसमें भी बाइक चलाने में सब नाटक कर रहे हैं, मैं चलाऊंगा, तो मैंने बाइक दे दी इसको चलाने के लिए। फोटोग्राफी के क्लास चल रहे, ये देखो मार्केटिंग स्किल इन दोनों की, हम लोग कुछ कितना फायदा करी अनुराग, बराबर कर दे, हाँ अड़ी दिन से बराबर है।
तो अभी डांस प्रैक्टिस में पहुंच गए, सिटी के जितने भी काम थे ऑलमोस्ट सब खत्म कर लिए, तो भी थोड़ा बहुत तो पेंडिंग रह ही जाता है काम, तो जो भी होगा वो कल के दिन में करेंगे, और अभी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मिलते हैं आपको डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद। तो आज का डांस का दिन यहीं पे खत्म होता है, इसके साथ आज का दिन भी यहीं पे खत्म होता है। तो शक्ल से दिख रहा होगा कितना डांस किया है, कितना स्वेटिंग हो गया है, ये देखो शक्ल को, देखो कितना पसीना हो गया है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।